बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज 25 नवंबर है और सुबह है 26 नवंबर। तो इसके ऊपर आपने वैस रबानी और हनीफ का हिसाब की वीडियो देखी होगी, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम जेलम रवाना हो रहे हैं, सुबह जाओ मुनाजरा होगा, सुबह ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो ये सब आपको पता ही होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वो जेलम क्यों जा रहे हैं, हालांकि हमें तो पता है मुनाजरा नहीं होना, क्योंकि जेल साहब ने जो कोई भी कमिटमेंट नहीं की। अगर उन्होंने की होती कि हाँ जी ठीक है, आप मुफ्ती जब हनीफ का हिसाब आ जाए, मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर तो बंदा कहता है, लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं है, तो फिर मुनाजरा कैसा। बाकी चले फिर भी चले जाएं, अपना शौक उस वाले से पूरा कर लें। वो इसके साथ एक और वीडियो में देख रहा था, शायद आपने भी देखी हो, जिसके अंदर एक और मौलवी जो है उन्होंने मुकर्रर कर दिया जेलम से कि ये जो हमारा अहले सुन्नत का नुमाइंदा है, और उस मौलवी का नाम है यलदड़म। ये मैं उनके नाम का मजाक नहीं बना रहा, वैसे जो उनका यही नाम है यलदड़म। तो वो उन्होंने कहा कि ये हमारा अहले सुन्नत का नुमाइंदा है, अंजीर अली मिर्ज़ा जो इससे मुनाजरा करें। और मरकजी सुन्नी उलमा कौंसल रजिस्टर्ड जेहलम से ताल्लुक रखने वाले तमाम उलमा मशाइख ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है कि हम हजरत अल्लामा शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद हसन रजा यलदरम मुहद्दिसे जेलमी को अपना नुमाइंदा मुकरर करते हैं कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तरफ से मसलक के हक अहले सुन्नत जमात के अकाबिरीन और अकायद पे किए जाने वाले तमाम एतराजात पे उसके साथ इल्मी मुजाकरा और मुकालमा करें। तो मेरे भाई और बहनों, हनीफ भाई साहब कह रहे हैं कि मैं सुन का नुमाइंदा हूँ, राशिद रिजवी साहब कह रहे हैं कि हम ऐसुन के नुमाइंदे हैं, अशरफ जलाई साहब कह रहे हैं कि हम ऐसुन के नुमाइंदे हैं, और जो वो यलदड़म साहब कह रहे हैं कि हम ऐसुन के नुमाइंदे हैं। तो वही अंजलि मिर्जा जाओ किस किस साहब मुनाजा करेगा। तो ये इंजीनियर साहब का बिल्कुल सही मौका है कि भाई ये जरा एक दफ़ा काम शुरू हो गया ना, फिर ये थमना नहीं है, फिर तो रोज़ हर बंदे ने आके चैलेंज करना है कि हाँ मेरे साथ मुनाजा करो, मेरे से मुनाजा करो। तो इससे अच्छा यही है कि ये करोड़ों लोग आपस में मिलकर एक बंदे को सिलेक्ट कर ले, यानी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पूरे पाकिस्तान में से जो लाखों मौलवी हैं, या फिर पूरी दुनिया में से किसी भी कोने से जो मौलवी उठा लें, उसको जाओ उसके ऊपर हाथ रख दें कि हाँ जी ये मौलवी आ रहे हैं जैसे मुनाजा करने के लिए, ये हमारी पूरी आसन का नुमाइंदा है, ठीक है, इसकी हार हमारे पूरे फिक्र की हार है, इसकी जीत हमारे पूरे फिक्र की जीत है, तो ठीक है मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ और बात ही खत्म होती है। यानी कि रोज रोज का जो रोला चल रहा है ना, ये खत्म हो जाएगा। वरना तो मेरे भाई और बहनों देख लें, आप अभी तक मुनाजरा हुआ नहीं है, लेकिन पहले ही लोग तैयार हो गए, हमसे करो मुनाजरा, हम ऐसे उनके नुमाइंदे, वो करे हम है, वो करे हम है, तो बंदा अब किससे बात करे किससे ना करे। तो खैर कोई भी इस बात से मुनाजरा नहीं होना। बाकी हाँ ये जरूर है कि अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब सुबह कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, वीडियो में कोई पैगाम दे देते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि हाँ कोई चांसेस बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। बाकी चलिए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरे भाई तो बचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।